शाइलो गेहूं उपार्जन केंद्र बंद होने की खबर लगते ही कलेक्ट्रेट पहुंचे हैरान परेशान किसान। किसानों ने की व्यवस्था यथावत रखने की मांग। जनसुनवाई में किसानों ने की कलेक्टर से चर्चा। किसानों ने कहा अन्य स्थानों पर तोल में होती है गड़बड़ी, किसानों को होता है हजारों रुपए का नुकसान। हमको सुनने में आ रहा था कि हमारा जो गेहूं उपार्जन केंद्र है उसको चेंज किया जा रहा है, हम साइलों में तुलवाते आ रहा है पिछली 2-3-4 सालों से, तो इस बार पता पड़ रहा है कि किसी वेयर हाउस पे जाना है तो वेयर हाउस पे कट्टियों से तुलेगा, और तो कट्टियों में हम माल गड़बड़ करते हैं बहुत ज़्यादा, वो परेशानी होती किसानों को, टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा केंद्र उपार्जन केंद्र नहीं बदला जाए, हमारी तुलाई साइलों पे की जाए। इसी विषय में समस्त ग्रामवासी ग्राम सेमरादांगी से आज कलेक्टर साहब को आवेदन देने भी आए और आपके माध्यम से भी अवगत कराना चाहते हैं उनको कि हमारी समस्या को नज़रअंदाज न करें और इस पर कार्रवाई करके हमको उसी केंद्र पर सुचारू किया जाए। 12 सोसाइटियाँ इसमें जुड़ी हुई हैं, उसमें हमारा गांव भी आता है और हम हमेशा साइलों में तुलवाते हुए आ रहे थे, तो अब हम यही चाहते हैं कि हमारा गेहूँ जो है साइलों में ही तुले और ना कि कहीं वेयर हाउस पे तुले, क्योंकि वेयर हाउस पे जाने में समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और करीबन 50 गांव के करीब उसमें प्रभावित होंगे। हजारों में पुग जाएगी वो संख्या, तो इसलिए सभी किसानों का यही कहना है कि भाई साइलों में जो सुविधा है वहाँ पे क्या होता कि हम जाते हैं और वो जो धर्म कांटे पे तुलता है और डायरेक्ट हमारी ट्राली खाली हो जाती है, यहाँ पर कट्टियों से तुलवाने में उसमें भी फिर ज़्यादा लगेगा, उधर वो 400 ग्राम 500 ग्राम जो उनका रहेगा वो उधर भी ज़्यादा लेंगे, तो उस दुविधा से हम बचने के लिए हमारी सुविधा यही कि हम चाहते हैं कि साइलों में ही गेहूं हमारा। किसान पढ़ा लिखा नहीं है, कट्टी जी को हमने आवेदन दिया है और उन्होंने